गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। गुड। अब हम क्या कर रहे हैं? मैथ। हाँ, 12th चैप्टर एक्सरसाइज 12.1। कल लास्ट सम है आपका 5th। MCQ में दे रखा है टिक टॉक करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग द जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो आपस में इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने रेडियस निकालना सर्कल का कितना। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर, पेरीमीटर 2πr, दोनों ही इसके इक्वल हैं। अब लिख लोगे एरिया ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों के फार्मूले पाई आर स्क्वेयर 2πr। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे आपके 4 आंसर दे रखे हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस 2πr, साइड में 0 कर दी, उसी साइड लाके इनको माइनस कर दी। पाई आर इसको कॉमन आ रहे हैं, पाई आर यहाँ बचेगा आर माइनस 2, दो फैक्टर हमने इनके बना दिए। पाई आर को कॉमन निकाल, आपका पाई आर इक्वल 0, आर माइनस 2 इक्वल 0, तो ये आ जाएगा। यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालोगे 0 बाय में पाई 0, हम इसमें ये वैल्यू हम इसको छोड़, आर 2, रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 2। नीचे आपके आंसर में देखो लिखा हुआ है 2 टाइम्स पाई यूनिट्स 4 यूनिट्स और 7, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 8 2 यूनिट्स, ये वाला आपका आंसर। जल्दी से कर लिया। जल्दी से करें। जल्दी से अपनी नोटबुक पे कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 जी कर लिए सबने? यस मैम। ये तो इजी से सम था, जो आपको सम में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 जिसमें आपको सेक्टर का एरिया, सेगमेंट एरिया यही फाइंड आउट करने हैं, माइनर और मेजर, ठीक है। फर्स्ट सम 7-7 मेरे करोगे। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ ए सेक्टर आपको दे रखा 60 डिग्री। सर्कल एंगल 60 डिग्री, रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्या निकालना है इसका एरिया सिर्फ सेक्टर का, क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। करें जल्दी से, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर
एंगल मीन जो हम इसको थीटा मानते हैं, एंगल कितना दे रखा आपको 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 22/7, 6 × 6, 60/360। इसको सॉल्व करो तो खुद आंसर निकालो, जल्दी से करें इसको। साथ साथ अपनी फिगर जरूर बनानी, क्योंकि फिगर से ही आपको समझ जो है क्लियर होते जाते। हाँ जी, कितना आंसर आया इसका? 132/7। इसकी कटिंग कर दो, इसको चाहिए आगे पॉइंटों में ले आओ, वो आपका आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर। चाहे आगे पॉइंटों में ले आओ, चाहे एरिया तो स्क्वायर जरूर लिखना साथ। नेक्स्ट, जल्दी से करें। सेकंड सम जी कर लिए सबने? साथ साथ खुद भी सम किया करो, जैसे मैं देती हूँ नेक्स्ट सम, आप कोशिश किया करो खुद करने की। सेकेंड सम, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। आप कहोगे इसमें, इसका पहले हमें सर्कमफेरेंस, हमारे पास एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस और एंगल। अब एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, उसने क्या कहा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन उसका ये इसके फोर पार्ट जो हो जाता है, तो जब पूरा एंगल जो है 360 का फोर पार्ट हो जाएंगे तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले इनके एंगल भी फाइंड आउट। तो रेडियस हम पहले निकालेंगे पेरीमीटर से, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दे दिए। सर्कमफेरेंस सर्कल 2πr 22 by 7 r 22 7 22 r कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास एंगल कितना है, एंगल कितना दिया 90 डिग्री, एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 निकालो आप करो, आपके लिए सम। जल्दी करें,
ये आपके लिए आगे वैल्यू बुक करें। सभी कर लें जल्दी से सम। पाई की वैल्यू 22/7 आर 7/2 एंगल 90/360। जल्दी करें। कितना किया करो ना जल्दी से। नेक्स्ट रब कर दो। सिंपल, आपको जो जो मैंने फार्मूले बताए हैं उनको ध्यान में रखें और उसी से ही आपका जो सम है सॉल्व हो। थर्ड सम सेम पढ़ना। थर्ड सम की जी द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक यही आता है ना आपका, तो आपको एक उसका क्लॉक का ये जो बढ़िया सुई है कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यस मैम 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। उसने कहा कि वो जो है यहां से चल के ये वाली यहाँ पर आई 5 मिनट। तो हमने अगर पूरा एरिया निकालना होता तो फिर एंगल की तो वही थे 360 आ जाना था। 5 मिनट, अब हमने पहले ये एंगल फाइंड आउट करें रेडियस। फोर्टीन सेंटीमीटर एंगल कैसे करेंगे 60 मिनट में? एंगल कितना बनता है 60 मिनट में? एंगल कितना बनता है 360। तो 5 मिनट में कितना एंगल होगा इसमें निकालो जल्दी से। जल्दी से निकाल लें। कितना आएगा 30 डिग्री इन 60 डिग्री 60 मिनट। कितने बनेगा आपका 360 1 मिनट में 360 65 मिनट 60। कितना आएगा 30 डिग्री। एंगल आपके पास है, रेडियस आपके पास है, एरिया निकाल लो। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360।
करेंगे। कटिंग देख लेना, वन फिफ्टी फोर बाय में थ्री। पॉइंटों में लिखना चाहिए इसको, ऐसे ही आंसर रहने दे। जल्दी करें, जल्दी से सम रफ कर दो। यस मैम, जल्दी करें। हाँ भी हो गया सबका? यस मैम। अब मैं आपको सम कोशिश करूंगी कि डायग्राम से ही, आपकी फिगर से ही जो बना था उससे आपको एक बार सम को क्लियर कर, आपने वो सम खुद कोशिश किया करनी करने की, चाहे गलत हो कोई बात नहीं, करके जरूर आ। फोर्थ सम, हाँ जी मानसी रीड करना। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। Find the area of the corresponding first minor segment, second major segment, major sector. अब आपको ये कहा है दो निकाले, माइनर सेगमेंट बोला है और मेजर सेक्टर दो अलग अलग बोला है, और आपको यहाँ पर एंगल कौन सा बोला आपको? राइट एंगल। राइट एंगल, ये जो मैंने बनाया है ये आपका सेक्टर, हमने क्या निकालना है? सेगमेंट। अगर आपने मेजर सेक्टर का निकालना है तो आप क्या कीजिए, 90 है 360 में से माइनस करता तो मेजर वाला ये आ जाएगा पार्ट, उसका तो आर भी दिया है हमारे पास और हमें ये भी फाइंड आउट करना। 360 में से 90 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 270 पाई आर स्क्वायर, 270 बाय 360। मेजर सेक्टर का तो आप ऐसे निकाल सकते, माइनर सेगमेंट हमने सिंगल ये चीज का निकालना है, ये नीचे वाले पार्ट का। एरिया माइनर सेगमेंट, अगर मैं ये एरिया सेक्टर का फाइंड आउट करती हूँ, ओ ई बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो नीचे वाला पार्ट बच जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये चीज आपको एक पास आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेक्टर का एरिया होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब बोलोगे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल 90 डिग्री का है, पहले हमने ये ध्यान रखना था कि इसमें
एंगल कितने डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का आ जाए तो 1/2 b × h। अगर यहाँ 60 डिग्री का आ जाए तो इसका मैंने ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। फिर √3/4 वाला आ जाएगा फार्मूला a²। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका बेस, ये आपकी हाइट। तो फार्मूला 1/2 b × h। तो आप इससे निकालोगे एरिया π r² θ/360 -1/2 b × h। इसका b और h इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। दोनों कितने आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर। b और h दोनों ही इसका इक्वल आएगा। दोनों का एरिया निकाल के क्या करोगे, माइनस। तो किसका एरिया आ जाएगा, माइनस सेगमेंट का। सेक्टर का निकालने के लिए 360 में से माइनस करो। अगर मेजर सेक्टर का निकालो, माइनर का तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये सम आपने कंप्लीट कर। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। गलत चाहे कर लो, करना जरूर है।